नमस्कार बच्चों, आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल है। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ, मेरा नाम है नीलम। अभी आपको पहली कक्षा से दूसरी कक्षा जाने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपको पहली कक्षा में आप सीख चुके हैं वर्णमाला और मात्राएं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में क्या क्या सीखने को मिलते हैं? स्वर और व्यंजन। अ से आ को हम कहते हैं स्वर, क से ज्ञ तक हम कहते हैं व्यंजन। अभी आपको पहला पाठ यहाँ पर प्रारंभ करने जा रही हूँ। पहला पाठ का नाम है आओ। इस यहाँ पर आपको बिना मात्रा के शब्द को पढ़ने को मिलेंगे। बिना मात्रा के शब्द है यहाँ पर, है बिना मात्रा के शब्द आओ, सब, मटर, शलगम, आम। इस पद्य में आपको तरह तरह के फल है और तरह तरह के सब्जियां हैं। तरह तरह के फल क्या है? फल तो आपको पता है, फल यानी फ्रूट्स, सब्जी यानी वेजिटेबल्स। इस यहाँ पर देखो पेज नंबर फोर में यहाँ पर है पद्य आओ। आओ आओ सब आओ, मटर आओ, शलगम आओ, आम आओ, सब फल आओ, घर आओ, अब सब आओ। इस पद्य का यह मतलब है कि सब सब्जियों को, मटर, शलगम, मटर यानी पीस, शलगम यानी टर्निप, आम यानी मैंगो, सब यानी ऑल सब सब्जियों को हम घर पर बुला रहे हैं। सब सब्जियां वेजिटेबल्स। आपके घर पर कौन सी सब्जी बनी है? आपकी माता पिता कौन सी सब्जी लाए हैं? आपकी माता कौन सी सब्जी बना रही है? यह सब कुछ आपको सीखना बहुत जरूरी है। अपने घर पर आपकी माता कौन सी सब्जी खा रहे हैं, वह सब्जी का नाम हिंदी में उच्चारण करना सीखना जरूरी, बहुत जरूरी है। यह सब कुछ सीखने से आपको हिंदी उच्चारण किस तरह करना है, हिंदी भाषा किस तरह बात करना है, आप सबको सीखने को मिलेगा। आप बहुत अच्छे से सीख सकोगे। अभी यहाँ पर देखिए सब्जियाँ कितना जरूरी है, इससे प्रोटीन, विटामिन सब मिलते हैं। यहाँ से हम लोग सब्जियाँ खाना नहीं, अगर नहीं खाओगे तो छोटे छोटे समय पे आप सभी को बहुत ही आईना की जरूरत पड़ेगी, आपकी आँखों में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस तरह आप सब सब्जियों को खाना बहुत जरूरी है, सब फल को खाना बहुत जरूरी है। फल यानी अभी आप सीजनल फूड, जो हर सब्जियां खाना बहुत जरूरी। फल जैसा हम ये फल पसंद नहीं है, वो फल पसंद नहीं है, यह सब्जी पसंद है, ऐसा नहीं करना है। जो भी सब्जी बनाए हैं वह सब्जी को बहुत ही जरूरी है कि खाना। अभी यहाँ देखिए इस पाठ में यह सब कुछ शब्दार्थ है। अभी यहाँ पर है प्रश्न उत्तर। इस पाठ में प्रश्न उत्तर देखिए, आओ कहकर किसे बुला रहे हैं? आओ कहकर मटर, शलगम, आम को बुला रहे हैं। मटर यानी पीस, शलगम यानी टर्निप, आम यानी मैंगो बुला रहे हैं। सब फल को कहाँ बुला रहे हैं? सब फल को अपने घर पर बुला रहे हैं। बच्चों यह सब कुछ आपको घर पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को सीखना बहुत जरूरी है। आज आप प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ को घर पर अभ्यास करी है। कल के क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ चिन्ह के शब्द किस तरह सीखना है, और चित्र के शब्द भी पढ़ने को मिलेंगे। यह सब कुछ आपको घर पर अपने हिंदी बुक में यह सब कुछ 3-3 बार अभ्यास करिए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, कल के पाठ में आपने आओ पाठ किस तरह पढ़ना है, किस तरह शब्द को पहचाना है, किस तरह सब्जियों को, फल को घर पर बुला रहे हैं, यह सब कुछ सीख चुके हैं। अभी देखिए चित्र के शब्द। यहाँ पर चित्र तो यहाँ पर नहीं है, मगर चित्र के अर्थ अंग्रेजी में है। पेज नंबर छः में आपको तरह तरह के चित्र किस तरह है, उस चित्र के शब्द को इस पाठ में अपने को ढूंढना है, और यहाँ पर अक्षरों में अपने को ढूंढ कर पहचानना है। अभी यहाँ देखिए लोटस है। लोटस यानी हिंदी में क्या कहते हैं लोटस को? कमल। कमल कहाँ पर है? दाहिने बाहिने, यहाँ पर देखिए कमल, कमल कमल यहाँ पर है कमल। इस पाठ इस शब्द में अक्षर में अपने हमें इस अक्षर में हमें सबको ढूंढना है, अंग्रेजी शब्द के अर्थ हिंदी में ढूंढना है। यह सब कुछ आपके किताब में चित्र के रूप में दिखाई देंगे। कमल कमल यानी लोटस, लोटस यानी कमल।
कमल पहला क्या हुआ यहाँ पर, कमल, कमल को हम यहाँ पर लिखेंगे कमल, कमल। और दूसरा है फिश, फिश यानी झश, झश। यहाँ पर ढूंढिए दाहिने और बाएने, यहाँ पर ढूंढते हुए हमें मिल गया यहाँ पर झश, 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 झश। और तीसरा है यहाँ पर टर्निक, टर्निक, टर्निक।